मिले। दीदी साहब आप ये मत सोचते हैं, ये 20-50 लोग हैं, यहाँ पे सारी अंबाला की जनता रात में यहाँ आ जाएगी। दीदी साहब आपसे प्रार्थना है कि 10 मिनट के अंदर नीचे आइए, नहीं हम लोग यहाँ पे लेट के आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। भीषण गर्मी के इस मौसम में अंबाला की जनता को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। आलम तो ये है कि अंबाला की जनता अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुकी है, लेकिन अभी तक उनके हाथ में आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं लगा, जिसके चलते देर रात अंबाला की जनता का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने अंबाला के नव नियुक्त उपायुक्त के निवास का घेराव किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किस तरह से लोगों का गुस्सा सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर फूटा वो दिखाते हैं आपको। गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही अंबाला के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई दिनों से अंबाला शहर के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर देर रात अंबाला के लोगों ने अंबाला के नव नियुक्त उपायुक्त के निवास का घेराव किया। इस दौरान लोगों के सब्र का बांध तब टूट गया जब उपायुक्त के निवास के दरवाजे नहीं खुले। गुस्साए लोगों ने सरकार और उपायुक्त के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उपायुक्त के निवास का घेराव करने पहुंची जनता की माने तो पिछले कई दिनों से उनके घर में पीने का पानी नहीं है, जिसके लिए वो संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैम कारण ये था कि हम 2 महीने से पानी के लिए इतने परेशान हैं। पानी वाले जेई साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। माजिर में ट्यूबवेल लगा हुआ है पानी का, वहाँ पे भी हमने कई बार एप्लीकेशन लिख के दी है, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई। फिर हम यहाँ पे इनके सर पे आए हैं, इनको भी एप्लीकेशन दी, इन्होंने भी SDO सर को भी एप्लीकेशन दी पानी की, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई पानी के लिए बिल्कुल भी। आज हमारे घर में पीने का पानी नहीं है, बच्चे बिगर पानी के ऐसे बिलक रहे हैं घर में, इस कारण हमें आज यहाँ पे आना पड़ा। अंबाला की जनता के साथ उपायुक्त निवास का घेराव करने पहुंचे वार्ड नंबर 10 के पार्षद मिथुन वर्मा ने जल आपूर्ति विभाग के एक्सियन और SDO पर अच्छा व्यवहार ना करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से आधा शहर परेशान है, अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया। देखिए आपको बताऊंगा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आधा शहर परेशान है, जिसको लेकर के मेरे वार्ड के अलावा मेरे साथ लगता वार्ड लगता है 1 नंबर और उसमें सिंगल मंडी पड़ती है, उन लोगों को लेकर के उनकी समस्या नहीं सुन रहे थे कोई भी, तो मैं खुद पहुंचा उनके साथ में, शहर के सभी लोगों के मैं साथ हूँ। ये उनकी समस्या थी और ये रिसीविंग है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की 14/6 को उनको हमने जो है सभी को रिसीविंग दी थी, लेकिन समस्या का हमें आश्वासन दिया गया, आज तक समस्या का हल नहीं हुआ। 25 दिन हो चुके हैं इनके घर में पानी नहीं है। आज ये लेडीज सभी की सभी जितनी भी महिलाएं हैं 10:30 बजे मेरे घर पर पहुंची हैं कि क्यों नहीं समस्या का हल हुआ। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे बेशक वार्ड के ना हो, फिर भी मैं जो है उनसे बात करूं। SDO एक्शन से बात की, SDO ने अच्छा जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर के इन लेडीज के सामने की बात है हम यहां पर धरना देने पहुंचे थे। DC साहब के पास यहां पहुंचे तो SDO ने रिटर्न में आज दिया है कि जो है सुबह 3 बजे तक हरिनगर, कलाल माजरी और सिंगल मंडी की जो है पानी जो है आज रात को पहुंच जाएगा, जबकि पहले कह रहे थे कि आज रात को नहीं पहुंच सकता। इस दौरान मौके पर पहुंचे SDO से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले आंधी तूफान के कारण दिक्कत हुई थी, लेकिन समाधान कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में कोई परेशानी नहीं आई और उन्हें रात 9 बजे फोन आया था कि किसी इलाके में पानी की समस्या हो रही है, जिसके लिए उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि सुबह तक उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सर पहले इनकी समस्या 15 दिन पहले आई थी, उसके बाद सोल्व हो गई थी, ठीक है जी। लाइट और आंधी तूफान की दिक्कत थी, उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत थी, उसके बाद कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं थी। आज सिर्फ 9 बजे फोन आया इनका, भी पानी की दिक्कत है। हमने कहा था अभी सुबह करवा देते हैं चेक, बस इतनी बात हुई। उसके अंकल ने कहा हम आपके घर लेके आ रहे हैं, अभी ऑफिस में मिल लेना, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हुई। हमने कहा अभी सुबह पानी आ जाएगा। गर्मी के इस मौसम में अंबाला की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है
और प्रशासनिक अधिकारी बार बार उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि आखिर कब तक अंबाला की जनता को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हाय, दिस इज हरमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर। वेल, मास्क है तो जिंदगी है, इसलिए पहने रहिए मास्क और देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। सत श्री अकाल।